ये है भाई ऑर्गेनिक खेती, एक तरीके से इसको बोलेंगे तो ये है ऑर्गेनिक खेती का ही है। जो हरी खाद जो अपने खेत के अंदर जो है हमने उगाई और अब जो है इसको मिट्टी में मिला दिया रोटावेटर की मदद से। ये देखो बिल्कुल मिक्स हो गई है दोस्तों। रोटावेटर निकाल देंगे तो ये हरी जो खाद है, ग्रीन खाद है, फर्टिलाइजर, तो ये सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इसका जो रस है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे जो है खेत के अंदर जो है मिक्स हो जाएंगे। ये पीछे 8 फुटा रोटावेटर है और ये सामने ट्रैक्टर है 403। और ये देखो इसका बान कितना अच्छा जो है, बान ये जो है करके चल रहा है। ये देखो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। पीछे देखो सफाई, ये देखो एक तरीके से ये जो ढांचा बोलते हैं इसको, जंतर भी बोलते हैं इसको, उगाने के बाद कुछ दिन का जब ये हो जाएगा तो इसको जो है अपने खेत के अंदर काट देते हैं। बहुत सारे जमींदार जो है इसी विधि का प्रयोग करते हैं अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए। वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये 2-3 फसलों में काम करता है। जैसे अब धान लगाएंगे उसमें भी जो है पैदावार अच्छी रहेगी इसकी, और दूसरी जो है फसल आगे गेहूँ की होगी तो उसमें भी जो है पैदावार इसका असर जो है हमारे को देखने को मिलेगा। तो ये तकरीबन 3 फुट के आसपास जो है, 2.5-3 फुट के आसपास जो है ये ढांचा जंतर जो है हो चुका है। हमने ये गवर्नमेंट की दुकान से जो है ये ख़रीदा था और गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है इस पे मिल के बीज सस्ता मिलता है किसान को। ये हरियाणा सरकार की देन है। और ये छोटा सा ट्रैक्टर है 40 HP का और 8 फुट रोटावेटर में जो आप देख रहे हैं इसको कैसे जो है ये धड़ल्ले से चल रहा है, और डीजल एवरेज भी बहुत अच्छी है ट्रैक्टर की। ये इसके अंदर जो है और खरपतवार जैसे ये डिल्ला है, मोथा है, सामक है, वो सारी चीज़ें भी जो उग जाती हैं, फिर बाद में जो है किसान को परेशान नहीं करती हैं सारी चीज़ें। और बिल्कुल छोटे छोटे पीस जो है ये बना देता है रोटावेटर। कुछ किसान भाई हरों भी निकाल देते हैं, हरों से भी जुताई करते हैं, लेकिन उसमें जो है ढांचा है हमारा, ढांचे के लंबे लंबे जो है एक तरीके से पीस हो जाते हैं, लेकिन रोटावेटर निकालना चाहिए और वो भी जब इसकी शुरुआत में ही निकालना चाहिए, क्योंकि नीचे जो है जड़ मजबूत है और रोटावेटर जब उसको पकड़ेगा तो वो काट देता है उसको। हमने बल्कि रोटावेटर के जो ये नीचे जो सपोर्ट होते हैं उनको पूरा ऊपर उठा दिया एक दिन मैंने। आप ये देखो कितने नीचे जो है रोटावेटर चल रहा है, देखो ये सपोर्ट को आखिरी सुराख डाल दिया, आखिरी सुराख में जो है सपोर्ट को डाल दिया, पूरा जो है रोटावेटर फुल लगेगा इस पोजीशन में। और ये मिट्टी देखो आप कितनी मिट्टी जो है लेके चल रहा है, यही देखने के लिए कि जो है ये PTO में कितनी ताकत लगा सकता है, लेकिन पूरी ताकत जो है ये लगाता है ट्रैक्टर। अगर किसी किसान भाई ने इस ट्रैक्टर को खरीदना है या इसी जैसा ट्रैक्टर कोई खरीदना है तो हमारा नंबर है 94-160-41-712। उस पर कॉल करके भी आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं, या कोई और होगा हमारे लोन में तो हम उसको जो है आपको दिलवा देंगे। अब किसान से मिलवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने इसके अंदर क्या किया था और क्या फ़ायदे हैं। अब जो किसान से मिलवाते हैं उन्होंने जो है किस लिए ये बोया था। नमस्कार जी। नमस्कार। ये क्या कर रहे हो आप? ये ढांचा काट रहे हैं। ढांचा एक तरीके का जंतर, तो उससे क्या होगा? इससे फसल को गिरी भी तगड़ी लगेगी, गेहूँ भी तगड़ा लगेगा। क्या क्या चीज़ों की पूर्ति ये जो करता है खेत में? DAP, पोटाश सारी चीज़ों की पूर्ति करता है। सारी चीज़ों की पूर्ति। कितने दिन का हो गया आज ये? सवा महीने का जो आप इसको काट रहे हैं, अब जो इसमें जीरी लगा दोगे तो जीरी लगाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी इसमें? कोई परेशानी नहीं होगी भाई जीरी लगाने में, कह रहे हैं। ये है सामने का 403 और 8 फुट रोटावेटर में। सभी किसान भाइयों धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किसानों के फायदे के लिए अगर कोई चीज़ है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो बनाएंगे।
सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।